तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार तकनीकों और मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। डाइकन पाइपलाइन ब्लास्टिंग। जमीन को चीरती आती इस लहर को पहली बार देखकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे कि आखिर यहाँ क्या किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि जब जमीन में भूमिगत पाइपलाइन को बिछाना हो और मिट्टी अधिक कठोर हो तो कुछ इस प्रकार की तकनीक का सहारा लिया जाता है, जहाँ जमीन में बारूद डालकर उसे डेटोनेटर के माध्यम से ब्लास्ट किया जाता है, जिससे उस स्थान की मिट्टी उखड़ जाती है और फिर जिसे एक्सकवेटर के माध्यम से हटाना काफी सरल हो जाता है। यूरोफेंस। कृत्रिम दीवार लगाने की ऐसी तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। घर के आंगन के चारों ओर दीवार लगाने की इस तकनीक में पहले से ही मजबूत सीमेंट की दीवारें बनाई गई होती हैं, जिसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंक्रीट के स्तंभों को खड़ा किया जाता है, उनमें कंक्रीट का मिक्सचर भरकर, जिसके बाद कारीगर इन पहले से ही तैयार दीवारों के टुकड़ों को इन स्तंभों के बीच में बनी जगह में फिट करते जाते हैं। टुकड़ों की आपस में पकड़ बनी रहे तो उसके लिए उन टुकड़ों को सीमेंट से चिपकाया जाता है। बीच के टुकड़े लगा देने के बाद बारी आती है सबसे ऊपर के टुकड़ों को लगाने की, जिन्हें विशेष आकार में डिजाइन किया गया होता है ताकि जब उन्हें लगाया जाए तो वह दीवार की सुंदरता को अद्भुत तरीके से और अधिक बढ़ा दें। यह दीवारें लगाने में जितना आसान होती हैं, उतना ही कहीं अधिक मजबूत भी होती हैं। एमसील जॉइंट सिस्टम। पुलों के निर्माणों के हो जाने के बाद किन्हीं कारणों से पुलों के बीच वाले जॉइंट खुलने लगते हैं तो उन्हें कुछ इस प्रकार की तकनीक के माध्यम से भरा जाता है, जिसके लिए एक खास फॉर्म को जॉइंट में फंसाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले जॉइंट के दोनों तरफ टेप लगा दी जाती है ताकि काम सफाई के साथ हो और शक्तिशाली ग्लू रोड के ऊपर ना आए। टेप लगाने के बाद एक खास सीमेंट के मिश्रण को तैयार किया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे कारीगर औजार की मदद से खुले जॉइंट के दोनों तरफ लगाता जाता है। और फिर बारी आती है इस खास फॉर्म को लगाने की, जिसे पैकिंग से खोलते ही जल्द से जल्द खुले जॉइंट के अंदर लगाना होता है, नहीं तो इस फॉर्म का आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और यह वहां फिट नहीं हो पाएगा। रोड के चौड़े होने के कारण फॉर्म की दो लेयर की जरूरत पड़ जाती है और जिसे बड़ी सावधानी से शक्तिशाली ग्लू की मदद से चिपकाकर खुले जॉइंट के अंदर फिट कर दिया जाता है। एक बार फॉर्म को अच्छे से जॉइंट में बैठा देने के बाद यह फॉर्म फूलकर अत्यधिक टाइट हो जाता है और जिसके बाद यातायात को फिर से चालू कर दिया जाता है। बेस को। बरसात के मौसम में कई बार अनेक जगहों में जब पानी जमा होने लगता है तो वह मिट्टी को भी ढीला करता जाता है, जिससे कई घरों की नींव धंसने लग जाती है, जिससे घरों को काफी अधिक नुकसान हो जाता है और कई बार घर एक तरफ से झुक जाते हैं और उन्हें काफी क्षति भी पहुंचती है। तो ऐसे में उन घरों को फिर से ठीक करने के लिए इस खास तकनीक का सहारा लिया जाता है, जिसके लिए उस घर के धसे वाले भाग की नींव में एक क्लिप लगाकर जमीन के नीचे तक ठोस वाले भाग तक लोहे की लंबी रोड को घुसाया जाता रहता है। और इसी प्रकार के अनेक क्लिप वाले रोड को घर के झुके भाग में फंसा दिया जाता है और उसके बाद इन सभी क्लिप को एक खास हाइड्रोलिक मशीन के साथ फिट करके जब इस सिस्टम को चालू किया जाता है तो वह रोड घर के झुके भाग को ऊपर उठाना चालू कर देती है और घर का वह क्षतिग्रस्त भाग फिर से सही स्थिति में आ जाता है। सोलानो मोटराइज्ड गेट। यहाँ पर एक खास मोटर के माध्यम से चलने वाले गेट को लगाया जा रहा है। यूरोफेंस नाम की यह कंपनी पहले से ही गेट के पूरे ढांचे का निर्माण करके रखती है, जिससे इसे लगाने में बहुत कम समय लगता है। इस गेट के नीचे लगने वाले पैनल, जिसके ऊपर इस गेट को टिकाना होता है, को लगाने के लिए
स्क्रूज और नट्स की जरूरत ही पड़ती है, जिसके कारण इस गेट को लगाने में कोई तामझाम नहीं होता। एक बार गेट को सही स्थिति प्रदान कर देने के बाद कारीगर इस गेट को मोटराइज्ड रिमोट वाली मशीन के साथ कनेक्शन कर देता है, जिसके बाद यह गेट लग जाता है और फिर इसे रिमोट के द्वारा खोलना और बंद करना काफी सरल हो जाता है। वेकर केमी, खेती के लिए बनाई गई कृत्रिम नहरों की समय समय पर मरम्मत करते रहना पड़ता है, तो इस काम के लिए सबसे पहले नहरों के पानी को मोड़ कर नहरों को सुखाया जाता है। इसके बाद इसकी दीवारों को एक खास मशीन के माध्यम से पानी की तेज धार की मदद से साफ किया जाता है। दीवारों के साफ होने के बाद रोड बनाने वाली मशीन की मदद ली जाती है, जिसमें तारकोल और बजरी के मिश्रण को तैयार करके दीवारों पर लगाया जाता है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी चुनौती होती है इस मशीन को इस विशेष कोण पर टिकाए रखना, जिसके लिए मशीन को शक्तिशाली लोहे की तारों के साथ बांध दिया जाता है और इस काम को अंजाम दिया जाता है। मार्शल प्रोफाइल्स, ईंटों की दीवार बनाते समय मिस्त्रियों को दीवार को सीधा रखने के लिए दीवार के समानांतर चलते धागे का इस्तेमाल करना होता है, और जिसे उन्हें हर एक बार ईंटों की लाइन लगा देने के बाद पुनः दूसरी लाइन लगाने के लिए ऊपर करना होता है। तो उसी काम को और अधिक सुगम और जल्दी करने के लिए आज के समय में इस खास आधुनिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मिस्त्रियों को दीवार के साथ रोड के साथ केवल एक बार लगाना होता है, जिसके बाद इसे आप बड़ी आसानी से ऊपर कर सकते हैं। यही नहीं, इस तकनीक का इस्तेमाल आप एक सीधी दीवार पर ही नहीं बल्कि आड़ी टेढ़ी हर एक दीवार पर एक ही बार में कर सकते हैं। केरे आर्किटेक्चर, पहली नजर में छत पर लेंटर डालने से पहले घड़ों को इसमें लगा देख आप भी जरूर चौंक जाएंगे, भला इन्हें इस्तेमाल करने की आखिर क्या वजह है। तो दरअसल यहाँ स्कूल के निर्माण के दौरान एक खास बड़े कमरे का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ छत पर घड़ों को काट काट कर लगाया गया है। इन घड़ों को काट कर लगाने से इस कमरे के अंदर रोशनी बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसके अंदर गर्मी भी कम लगती है। पश्चिमी अफ्रीका के बुर्किना फासो नामक देश के एक स्कूल में बनी यह इमारत न केवल बच्चों को पढ़ाई करने में सहूलियत प्रदान करती है, बल्कि इसका विचित्र आकार भी स्वाभाविक ही अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिससे यह प्रमाणित भी हो जाता है कि आर्किटेक्चर की दुनिया में नए एवं आकर्षक इमारतें कम साधनों में भी बनाई जा सकती हैं। रेट्रोफॉर्म, यहाँ लकड़ की दीवार को थर्मल तकनीक से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एक खास प्रकार के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। यह खास फॉर्म, जिसे जैसे जैसे पाइप के माध्यम से इस लकड़ की दीवार में डाला जाता रहता है, तो वह बड़े ही मजेदार तरीके से फूलता हुआ दीवार के अंदर जगह बनाता जाता है। इस फॉर्म के इस्तेमाल से दीवारें थर्मल प्रूफ होने के कारण घर के अंदर तापमान सामान्य बना रहता है हर मौसम में। डीवी प्लस स्टील फ्रेम ड्राईवॉल, घर निर्माण के कार्यों में होते नए क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक यह कमाल की तकनीक, जिसमें घर बनाने के लिए पारंपरिक कंक्रीट और ईंटों के विपरीत स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं, यहां दो मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है और जिसके लिए छत पर भी स्टील फ्रेम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए सबसे पहले स्टील फ्रेम के माध्यम से इमारत को एक ढांचा दे दिया जाता है, जिसके बाद दीवारों के निर्माण के लिए लकड़ के बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और छत के फर्श के लिए वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, घर के बाहरी रूप के लिए भी लकड़ के बोर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक बार घर का निर्माण होने के बाद इसे पेंट कर लेने के बाद यह घर काफी आकर्षक तो नजर आता ही है, साथ ही साथ यह घर काफी अधिक मजबूत भी होता है दूसरे पारंपरिक कंक्रीट वाले घरों की तुलना में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।